हम राजेश रंजन और पप्पू यादव आप से ज्यादा न छठा बार सांसद, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। मंच लोकसभा का, मौका नए सांसदों के शपथ ग्रहण का, लेकिन इसमें भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। मंगलवार को नव निर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान तमाम विवादित बयान और नारों ने सुर्खियां बटोरी। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का शपथ ग्रहण भी इन विवादों से अछूता नहीं रहा। बता दें कि पप्पू यादव ने भोजपुरी भाषा में शपथ ली। लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लेत छी। और शपथ के अंत में उन्होंने धन्यवाद बोलते हुए नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका, तो पप्पू यादव बिफर पड़े और प्रोटेम स्पीकर के पास पहुंचकर कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। आप बहुत ज्यादा न छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खरी खोटी सुना दी। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम यू नॉट टेल मी देखा आपने कैसे शपथ ग्रहण के बाद पप्पू यादव प्रोटेम स्पीकर के साथ किरण रिजिजू से भी भिड़ गए। चलिए आपको अब पप्पू यादव का वो बयान सुनाते हैं, जिसे लेकर प्रोटेम स्पीकर और रिजिजू ने आपत्ति जताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। यही शपथ ग्रहण के बाद पप्पू यादव संसद से बाहर आए तो उन्होंने एक बार फिर नीट के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई और कहा, हर कोई धर्म जाति की बात कर रहा, कोई नीट का मुद्दा नहीं उठा रहा है। नीट कैंसिलेशन क्यों नहीं, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं, क्यों गिरफ्तारी नहीं उसकी, सुबोध सिंह जी की? बस इतनी तो था सब, यहाँ भगवान जय सबकी चमचागिरी में, यूथ के बारे में कौन बात करता है? सब लोग अपने अपने नेता की चमचागिरी में लगे हुए थे, एक बार भी नीट की चर्चा नहीं हुई, एक बार भी बात नहीं हुआ कि बिहार को विशेष राज्य, उस पर मैंने कहा, एक बार भी बात नहीं हुआ कि कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम, तो इसलिए मैंने कहा री नीट और विशेष राज्य का दर्जा दो। बस बिहार की जिम्मेदारी है, लोगों ने बेटे की तरह देखा है और गरीबों की आशा है, उसने भरोसा किया, उस भरोसे को नहीं टूटने देंगे, यह मेरा सीधा तर्क। बता दें कि पप्पू यादव गले में री नीट एग्जाम वाली टी शर्ट पहने लोकसभा पहुंचे थे, जिसे लेकर पूरे देश में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिसे लेकर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। ऐसे में शपथ के दौरान सदन के अंदर पप्पू यादव ने री नीट की मांग कर इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में नीट को लेकर सदन के अंदर काफी घमासान देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, नीट और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर पप्पू यादव के ये तेवर आने वाले दिनों में क्या रंग लाएंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। Oh, 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 oh